नमस्ते, इजी आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर रेनिटा डिसोजा। आज हम जातीयाधिकृता एक हर्बल घी के बारे में जानेंगे। इसे बाहरी घाव और अल्सर में उपयोग किया जाता है। इसका अन्य उपयोग के बारे में जानेंगे। इसे गहरे घाव और अल्सर के उपचार में उपयोग करते हैं और ट्यूबरक्यूलोसिस से संबंधित घाव, एनल फिशर्स, रिंगवर्म इन्फेक्शन और जॉक इच आदि में इसका उपयोग करते हैं। यह कीड़े के काटने से होने वाले त्वच के दर्द और सूजन से राहत दिलाने में भी उपयुक्त है। यह अधिक पित्त दोष को संतुलित करता है। अब इस औषधि के इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानेंगे। इसमें जाती और निम्बा पत्र यानी नीम के पत्ते, यह घाव और अल्सर में मॉइस्चर कंटेंट यानी अतिरिक्त नमी को हटाने में मदद करता है, और पटोला पत्र यानी परवल के पत्ते, यह पित्त दोष को संतुलित करता है और घाव में खुजली से राहत देता है, और कटकी, दारवी, निशा यानी हल्दी, यह खुजली और इन्फेक्शन से राहत देकर घाव को तेजी से ठीक करता है, और सारेवा, मंजिष्ठ, अभया, सिक्तका यानी मधुमक्खी का मोम, तुत्ता, यष्टिमधु, नक्तवह यानी पुंगेमिया पिन्नाटा और घी। इसका रेफरेंस अष्टांग हृदय उत्तर स्थान से लिया है। इस दवा की खुराक और साइड इफेक्ट्स। इस दवा का उपयोग केवल बाहरी अनुप्रयोग के लिए किया जाता है। इस घी में एक कपड़ा डुबाकर और फिर घाव में फैलाया जाता है, या इसे दारा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। घावों को धोने के लिए आप हल्दी या इमली के पत्तों का उपयोग कर सकते हैं। आरोग्यदादि कषाय या नेक्रोदादि कषाय के साथ भी घाव को धो सकते हैं। इस दवा को केवल चिकित्सकीय देखरेख में ही लेना चाहिए। इसका निर्माण कई आयुर्वेदिक फार्मा कंपनियों द्वारा किया जाता है, जैसे नागार्जुन, एवीएस कोटेकल, पेंटाकेट, एसडीएम आदि। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आयुर्वेद के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया विजिट कीजिए easyayurveda.com।